hello students today we are taking a question from differential equation chapter uh, here you can see this is the question based on homogeneous differential equation so let's start uh, uh, let's understand how to solve this question so first of all as i told you earlier this is a form of homogeneous differential equation now the question comes that how we will understand that the given question is in differential equation form so for uh, that you have to सेपरेट दिस थिंग फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स को हमें एक तरफ रखना है एंड y x प्लस वाई अपोन ये जो थिंग है इसको हम लोग ब्रैकेट के नीचे ले लेंगे तो अपोन में इसको ले लेंगे y माइनस एक्स ये चीज हमको मिल गया अब हम कैसे पता करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए देखिए y का पावर क्या है वन है x का पावर क्या है वन है y का पावर क्या है वन है यहाँ भी x का वन है y का पावर वन है x का पावर वन है तो आप समझिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं समझ में आया आपको चलिए नहीं आया तो उसके लिए आप और एक काम कर सकते हैं वाई को टी एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है वाई को टी एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं फिर से आपको वही फंक्शन मिल जाएगा तो आप समझिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि एक्स और वाई का टर्म मिला हुआ है देखिए ये हमारा डिफरेंशियल हडी वाई ये हमारा डिफरेंसियल हडी एक्स तो इसको आप ना तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है लीनियर फॉर्म भी नहीं है तो बचा क्या तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इस टर्म में एक्स प्लस वाई मिला है कैसे अलग करिएगा वाई माइनस एक्स मिला हुआ है अलग नहीं हो सकता है वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता है ना ये लिनियर फॉर्म में सो तो उस तरह से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्लियरली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं लिख सकते हैं द द गिवन इक्वेशन इज इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म इस तरह से हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दिए द गिवेन इक्वेशन इज इन लिनियर डिफरें सॉरी 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 लिनियर नॉट लिनियर दिस इज होमोजीनियस दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ठीक है देयर फोर पुट वाई इज इक्वल टू टी एक्स वाई को टीएक्स हम लोग पुट करेंगे और इसका डिफरेंसिएशन कर देंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई का डिफरेंसिएशन एक्स का रिस्पेक्ट में डीवाई बाई डी एक्स और टी एक्स का करेंगे तो टी को रख के एक्स का करेंगे प्लस एक्स को रख के टी का करेंगे तो ये मेरे को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें ये मिला है तो इस वाले इक्वेशन में मान लीजिए इक्वेशन वन है तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हम ये चीज़ रखेंगे तो चलिए एक बार रख के देखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे एक बार रखिए टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे टी एक्स रखेंगे तो ये टी एक्स रख दिए x प्लस टी एक्स हो गया अपोन x इन टू ये टी एक्स माइनस एक्स हो गया ठीक है अब x dt टी यहाँ पे रहने देते हैं dt टी बाई इस t को आर एच एस में भेज देते हैं तो देखिए उससे पहले यहाँ पे हमको x इन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहां पर टीएक्स तो पहले से था इसमें से एक x कॉमन ले, ले लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बचेगा वन प्लस टी अपोन यहाँ भी एक्स कॉमन है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस वन और यहाँ से जो हमने टी इधर भेजा है वो माइनस में टी आ जाएगा टी बाई वन इतना आपको समझ में आया अब देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड तो हमारे पास क्या बचा है एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी वन प्लस टी अपोन टी माइनस वन और माइनस का टी बाई वन अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस करके तो देखिए यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं टी प्लस टी स्क्वायर अपोन टी माइनस वन माइनस टी बाई वन टी टी बाई देखिए डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ अब क्रॉस कर लेते हैं तो टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी है ना माइनस टी टी माइनस वन हो जाएगा हमारा अपन में हमारे पास क्या है t minus one और यहाँ पे x dt by dx चला आ रहा है एज इट इज ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ तक हमने देखा ये हमारे को मिला है अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसी की चीज को हम लोग थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं t plus t square minus t square plus t upon t minus one और यहाँ पे x dt by dx चला आ रहा है देखिएगा ये t ये कट जाएगा टी प्लस टी तो यहाँ पे हमारे क्या हमारे को मिल रहा है टू टी बाई टी माइनस वन ठीक है और यहाँ पे है एक्स डी टी बाई डी एक्स अब आपको थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखना है इसको नोटिस करिए एब्सॉर्व करिए वेरिएबल सेपरेबल है पहले होमोजीनियस था मिला हुआ था वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता था लेकिन यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल है ये डी टी का टर्म्स में ये सारा डी टी का टर्म्स में है टी यहाँ भी टी यहाँ भी यहाँ भी डी टी तो ये सबको एक साथ डी टी का टर्म्स को अलग कर दो डी एक्स का एक तरफ लिख दो तो अब लिख सकते हैं दिस इज दिस इक्वेशन इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ठीक है इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्दर तो इस वाला पूरा चीज को हम लोग टी के साथ लिख रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो बाई क्रॉस करो तो टी माइनस वन हो गया इन टू डी टी अब बाई में ये टू टी इसके इसके नीचे आ जाए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टू टी और इधर में क्या बचेगा डीएक्स ऊपर जाएगा और यहाँ से एक्स नीचे आ जाएगा अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ठीक है तो अब हम इसको क्या करेंगे देखिए t माइनस वन है अपोन में टू टी है तो इसको सेपरेट कर देते हैं एक बार t बाई टू टी अलग कर देते हैं और माइनस वन बाई टू टी को अलग कर देते हैं आप समझ रहे होंगे हमने स्प्लिट कर दिया है और यहाँ पे dx एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं ये होता है log x प्लस कांस्टेंट तो उसका भी लॉग सी लॉग में अगर ऐसा रहता है तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले ले लिया करिए तो बेहतर रहेगा तो अब यहाँ पे आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे यह हमारा टी बाई टू टी है तो ये वन बाई टू तो बाहर ले लेते हैं तो टी टी कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा डायरेक्ट टी मिलेगा ठीक है क्योंकि डी टी का रिस्पेक्ट में टी का कितना हो जाएगा टी हो जाएगा माइनस वन यहाँ पे यहाँ पे वन बाई टू टी है तो यहाँ से वन बाई टू को बाहर ले लीजिए वन बाई टी अंदर में बचा है ना वन यहाँ पे डी टी भी है तो डी टी बाई टी का जब आप देखिएगा इंटीग्रेशन क्या होता है चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या है लॉग एक्स प्लस लॉग सी है तो ये हो गया टी बाई टू माइनस वन बाई टू इसका हो जाएगा लॉग टी लॉग लॉग टी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी तो टी का वैल्यू अब क्या हम हम लोग क्या माने पहले से टी का वैल्यू को क्या माने हैं तो देखिए टी को हम यहाँ पे पुट किए थे वाई को टी एक्स पुट किए थे तो टी को हम लोग बोल सकते हैं वाई वाई एक्स तो अभी हम लोग उसी से रिप्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ टी है तो टी को लिखेंगे क्या y बाई एक्स ठीक है और ये मल्टीप्लाई है वन बाई टू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे वन बाई टू लॉग टी को क्या माने हैं वाई बाई एक्स माने हैं इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वन बाई टू वन बाई टू दोनों में मिल रहा है कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई बाई एक्स ठीक है ये हमारे को अंदर में बचा है यहाँ पर हमारे पास है लॉग एक्स प्लस लॉग सी अब अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे ठीक से तो ये वन बाई टू ये क्रॉस कर देते हैं तो क्रॉस करने पे क्या मिलेगा हमको वाई माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी ठीक है तो यहाँ पे हमारा नीचे में ये एक्स भी आ जाएगा ठीक है तो अब हम इसको लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स और ये जो एक्स है इसको हम लोग इन दोनों को लॉग एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग सी एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके लॉग का प्रॉपर्टी लगा के अगर आप देखेंगे ये जो टू है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स हो जाएगा ठीक है अब इस टू एक्स को हम लोग यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करा देंगे ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जाएगा टू एक्स लॉग सी एक्स तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली ये हमारा जो है ये आंसर आ चुका है या आप और इसमें अगर कुछ करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी एक्स माइनस इसको उधर भेज सकते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन